पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन में लालबाग पुलिस ने जिला अस्पताल के धोखाधड़ी व शासकीय राशि गबन प्रकरण में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी डॉक्टर शकील अहमद ने कोरोना काल के दौरान अस्पताल के सह अधीक्षक के पद पर रहते हुए फर्जी बिल की नोटशीट बनाकर शासकीय राशि को धोखाधड़ी पूर्वक विभिन्न अकाउंट में डलवाया, बाद में उक्त राशि को निकालकर उसे निजी उपयोग में लिया। पुलिस ने शकील अहमद से उनके द्वारा सिंधी बस्ती चौराहे से हमीदपुरा रोड पर कुछ दूरी पर अस्पताल बनाने के लिए खरीदे गए करीबन 2 करोड़ के प्लॉट की रजिस्ट्री व 2 लाख नकदी जब्त की है। वहीं दूसरी ओर प्रकरण के मुख्य आरोपी प्रतीक नवलखे से उसका वृंदावन कॉलोनी स्थित करीबन 1.5 करोड़ कीमत का बंगला भी लालबाग पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस अभी तक गिरफ्तार आरोपियों से नकदी व संपत्ति मिलाकर करीबन 4.5 करोड़ रुपए की जब्ती कर चुकी है। पुलिस द्वारा आरोपी डॉक्टर शकील अहमद से विस्तार से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ व प्रकरण की विवेचना के आधार पर गबन में शामिल अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी व उनके द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।